नमस्कार। टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। हमारे साथ आज एक ऐसे ही युवा शख्सियत हैं जो अपनी मेहनत से ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया में नया मुकाम हासिल करने की कोशिश में जुटी हैं। नाम है निमिषा पराशर। आपने बायोमेडिकल साइंस में आप पढ़ाई कर रही हैं और इस वक्त खुद हमारे साथ निमिषा पराशर मौजूद हैं। आज हम इनके करियर के बारे में, इनकी अगली प्लानिंग के बारे में और इनके अब तक के अचीवमेंट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेंगे और इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। निमिषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुनील जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी अगर पढ़ाई देखें तो आपने बायोमेडिकल साइंस में आप पढ़ाई कर रही हैं और आपने जो करियर के लिए चुना है वो मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में मैं आप कदम बढ़ा रही हैं, तो ये कैसे इस फील्ड में आपको आना हुआ? बचपन से ही मुझे बायोलॉजी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था और आई कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर एकेडमिक्स को बहुत वैल्यू दिया जाता है। टेंथ और ट्वेल्थ में अच्छी परसेंटेज मिलने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं बायोमेडिकल साइंसेज लूंगी एज माई करियर ऑप्शन, जहाँ पर मैंने रिसर्च इन मेडिसिन, थेरेप्यूटिक्स, नॉवल डिजीजेस जो आजकल बहुत डिमांड में है, उस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, इसका मैंने करियर का चयन किया। उसके बाद पर मैं अपने शौक भी पूरे करना बहुत ही अहमियत रखती हूँ शौक पूरे करने के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जिसको सर्वोपरि मैंने हमेशा रखा है, मैं अपने शौक पूरे करती हूँ जिसमें से एक है मेरा मॉडलिंग। ब्यूटी पेजेंट्स में पार्ट लेना, स्टेज परफॉर्मेंसेस करना मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों किया जाए। तो इसी के साथ इस सफर की शुरुआत हुई। और अगर आपका प्राइमरी स्टेज देखें तो कई कॉन्फ्रेंस से आप जुड़े रही, इंटरनेशनल जो मटेरियल कॉन्फ्रेंस है उससे जुड़े रही हैं, कई आपने स्पर्धाओं में आपने पार्टिसिपेशन किया है, इसके पीछे क्या सोच रही है, कितना आपको अनुभव मिला इससे? तो मैं करियर को हमेशा प्राथमिकता देती हूँ। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे एक इंडिपेंडेंट वुमन एस्टैब्लिश करेगा इन द नियर फ्यूचर। दैट इज़ व्हाई आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट इन लाइफ। साथ ही साथ ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। मिस नवीनबाई जो कंपटीशन रहा है उसमें आप फर्स्ट रनर अप रही हैं जी। इस तरह के कंपटीशन को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, और अगर आप विजेता नहीं बन पाई तो आपको क्या लगा कि क्या चीज ऐसी रह गई जिसकी वजह से वो जो चीज आप जो मुकाम हासिल करना चाहती थी वो मिस हो गई? तो देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मिस नवी मुंबई की बात है, जब हमें टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला था, उसमें एक टाइटल था गर्ल ऑफ द शो। गर्ल ऑफ द शो इज इक्विवेलेंट टू मैन ऑफ द मैच क्रिकेट में जैसा होता है, विच इज गिवन टू द बेस्ट प्लेयर, जो कि मुझे जिससे सम्मानित किया गया था। एंड आई थिंक द टाइटल सेज इटसेल्फ, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड फर्स्ट रनर अप की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मेहनत खूब की। आई थिंक स्टेज पे आई परफॉर्म्ड, आई गेव माई बेस्ट, जो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे मेरे परफॉर्मेंस से। आई थिंक दैट इज वेयर आई फील आई एम द विनर, एंड आई एम अ प्राउड विनर ऑफ मिस नवी मुंबई फर्स्ट रनर अप 2020। किस तरह का रिस्पॉन्स रहा जब आप, क्योंकि विजेता और रनर अप में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत फाइन लाइन है, बहुत छोटा सा अंतर है, बिल्कुल। तो ऐसे में जब आप रनर अप रही तो आपका उस वक्त क्या मानसिकता रही कि भाई मैं तो चूक गई, लेकिन किस क्या कारण क्या रहा, क्या आपको लगता है कि क्या चीज एक चीज रह गई जिसको आने वाले समय में आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगी? तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्टेज पर पहली बार उतरी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आज कुछ जीतना है, मुझे बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, एंड आई हैव टू प्रूव द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और मुझे बस एक सपना था बचपन से ही, क्राउन जीतने का। फर्स्ट रनर अप में मुझे इतना सुंदर क्राउन मिला, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला। चाहे वो फर्स्ट रनर अप हो, विनर अप हो, विनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मार्क्स। बट आपने बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे पेजेंट में आपने खुद भी बताया जी। कितना चैलेंजिंग होता है आज के दौर में इस तरह के ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना, किस तरह की तैयारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे अभी दौर बढ़ रहा है, चैलेंज भी बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेशन ज्यादा लोगों का हो रहा है, तो ऐसे में जीतने की मंजिल तक पहुंचना कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए,
किसी भी दौर में आप जाएंगे लाइफ में आपको चैलेंजेस चुनौतियां हमेशा ही रहेंगी. yes. आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है. आप किस तरह से आपको चैलेंजेस ब्यूटी पेजेंट्स करने हैं, लाइक सपोज अगर मैं ब्यूटी पेजेंट्स की बात करूं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. आप अपनी पर्सनैलिटी, हर किसी की बात नहीं होती अपनी पर्सनैलिटी पूरे दुनिया को प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है. एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट योर प्रेजेंस, इट्स द कम्युनिकेशन दैट यू मेक विद द ऑडियंस. इट इज द इंटरेक्शन that you have, aapke at the same time crowd mein se motivation, support, that is one very big thing which plays an important role. कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, एंड तो ही आप चुनौतियां तो लाइफ में आएंगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आपको कैसे अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है और उससे आगे बढ़ना है लाइफ में, वही मेन. मुझे एक फिल्म याद आ रही है, फैशन. उसमें दिखाया गया कि जो मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में है, अगर वो जब सफल नहीं होते हैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन उनको होता है. बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. कई लोग तो ऐसे हैं कि सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है. आप चूंकि डायरेक्टली उस फील्ड में काम कर रही हैं, आप नज़दीक से देख रही हैं जो सुपर मॉडल्स हैं, उनको फॉलो कर रही हैं, क्या वाकई इसकी सच्चाई यही है कि अगर इतना ज़्यादा जो एम्बिशन हो जाता है कि अगर उसमें सफल नहीं हुए तो इस तरह से तकलीफें आती हैं, क्या ऐसा सही है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि असफलता और सफलता दोनों ही लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. अगर आप फेलियर फेस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करना रोक देना चाहिए, या फिर ऐसी चीजें, या डिप्रेस हो जाना चाहिए विच इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट, या फिर आप ड्रग्स का सहारा लेना पड़े, या आप सुसाइड करें. ये सब गलत है. अगर आपको ये जो असफलताएं आएंगी, उससे चुनौतियां आएंगी, आपको इससे बढ़ना है, सीखना है, समझना है, और इसे आप इम्प्रूव करेंगे. इम्प्रूव करने के बाद ही आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है फैशन, जो फिल्म आपने बताया, दैट इज अ वेरी आई ओपनर, जिसने डार्क साइड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दिखाया. yes, है perfect, yes. इस फिल्म से ये सीखने को मिलता है कि आपको अलर्ट होना है, अवेयर होना है, ना कि इन चीजों पर डिपेंड होके अपना जिंदगी रूइन करना है, विच कैन बिकम अ वेरी बिग हिंड्रेंस इन योर लाइफ. बिल्कुल अगर देखा तो जो ग्लैमर की दुनिया है, जो फैशन की दुनिया है, या फिल्मी दुनिया है, ये इंटरकनेक्टेड है. और इस ये बाहर तो बहुत चकाचौंध है, बहुत कुछ इसमें रंगारंग चीजें दिखती हैं, लेकिन उसके इनसाइड में अगर देखें तो कहते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं बताते हैं कि इसके पीछे गहरा अंधेरा भी है. आप इतने दिनों से आप मॉडलिंग कर रही हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में? क्या वाकई इस चकाचौंध के पीछे कुछ अंधेरा भी है क्या? जी, मुझे ऐसा लगता है जैसा हर इंडस्ट्री में होता है, वैसा इस इंडस्ट्री में भी एक ब्राइट साइड है और एक डार्क साइड. डार्क साइड, यस. ब्राइट साइड आपको बहुत खुशियां देगा, लेकिन डार्क साइड के देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन दिस, एंड इसी को आपको परखना बहुत जरूरी है. yes. मेरा अनुभव मैं अगर कहूँ तो आज तक अच्छा ही रहा है. मुझे ऐसे मेंटर्स मिले हैं मिस नावी मुंबई के, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. yes. आगे बढ़ने के लिए आई हैव पेरेंट्स हू ऑलवेज सपोर्टेड मी, और मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी. अभी आप अगर टेलीविजन पे देखें या मीडिया में जो खबरें आजकल आ रही हैं, आप भी जानती हैं कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह और तमाम जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में एक नेगेटिव एक तरह की खबर आजकल चल रही है कि वो कहीं ना कहीं नशे में उलझे हुए हैं. आप अगर इंडिविजुअली मैं पूछूं आपसे, तो आप क्या इस पर ओपिनियन अपना रखना चाहेंगे? क्योंकि ये जो सिनेरियो दिख रहा है, जिनको हमारे बच्चे, हम खुद भी, जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, और उनके बारे में जब इस तरह का स्याह चेहरा एक तरह का आता है कि नहीं, इनके पीछे तो कुछ कहानी अलग है, और ये सामान्य तौर पर नहीं जीते, बल्कि बिना नशे के नहीं जी सकते, तो एक परसेप्शन नेगेटिव बनता है ये अपने रोल मॉडल के बारे में. आपका क्या नजरिया है इस पे? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हर किसी के रोल मॉडल्स होते हैं, मेरे भी हैं, पर आई फील कि आपको उन रोल मॉडल्स को इमिटेट नहीं करना चाहिए, आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए. ये बहुत बड़ी बात है. एट द सेम टाइम हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं. सीखने की कोशिश करिए. एट द सेम टाइम एवरीबडी इज यूनिक. हर किसी में उनके वीकनेसेस होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, जिन पर काम करेंगे, एंड यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. आप कभी भी अपने आप को कम मत समझिए. आप कई सामाजिक संस्थाओं से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे प्रेमदान है,
और वीकेंड वी विल फाउंडेशन है, इस तरह के तमाम संस्थाओं से आप जुड़कर सोशल वर्क भी कर रही हैं, किस तरह से काम आप लोग करते हैं और क्या क्या अभी तक आप लोगों ने आपने काम किया है इन संस्थाओं के जरिए? तो सोशल वर्क अंडर प्रिविलेज लोगों की सहायता करना, उन्हें अपना टाइम, मनी, एफर्ट, डेडिकेशन देना, जिससे उनके फेस पर वो खुशी आ जाती है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी. एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ आर करिकुलम एज वेल, जहाँ पे हमें सोशल वर्क हम करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आई एम रियली वेरी विलिंग टू डू दैट. क्योंकि आप जब जो अच्छे जिन्हें असल में ज़रूरत है आप उनकी सहायता करते, वो बहुत बड़ी देन है. मैं आगे भी अगर भगवान की सहायता हो तो मैं खुद अपने NGO खोलना चाहूँगी, लोगों की सहायता करना चाहूँगी. आज ऐसे कितने लोग हैं जो क्रॉनिक इलनेसेस से बीमार हैं, जिन्हें कितनी परेशानियाँ हैं, उनके पास पैसे नहीं है, बहुत कुछ नहीं है. तो आई वुड लाइक टू सपोर्ट देम इन द बेस्ट वे आई कैन. मैंने उसमें पढ़ा कि आप ऑर्फनेज जो गर्ल हैं उनके लिए आप एजुकेशन के लिए काम करती हैं, कितने ऐसे लड़कियां हैं जिनके लिए आपने काम किया है? तो मैंने बहुत से अंडर प्रिविलेज ऑर्फन गर्ल्स को मैंने पढ़ाया है, उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ पढ़ाया है. फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है स्लम एरियाज में. अच्छा लगता है ऐसा देख के, टू सी देम हैप्पी एंड टू गिव देम व्हाट दे वांट. अब तक अगर जब से आपने अपने इस मॉडलिंग और ग्लैमर में अपना करियर बनाने की शुरुआत की, आपने किस किस तरह की अचीवमेंट रही है, अगर ये जो शुरुआती दौर की, चूंकि आप बहुत अभी तो आपका प्रारंभिक दौर है, एक तरह से आपको बुलंदी बहुत हासिल करनी है, फिर भी अगर हम पूछें आपसे कि ये इस बीच का आपका अचीवमेंट किस तरह का रहा है, तो उससे आप कितने संतुष्ट हैं और आने वाले समय में 2021 या 2025 तक आप क्या अपने आपको किस मुकाम पर देखना चाहती हैं? मैंने बहुत सारे पेजेंट्स में पार्ट लिया. मिस नवी मुंबई जिसमें से एक था, कैंपस प्रिंसेस 2019 एक था, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, एंड आई फील मुझे स्टेज बहुत पसंद है. आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड आई फील हैप्पी व्हेन आई एम द स्टेज परफॉर्मर. हर एक ब्यूटी पेजेंट अपने आप को आपके इनर क्वालिटीज को निखारता है, चाहे वो स्पीच स्पीकिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो. आप जिस तरह से अपने आप को पूरी दुनिया को दिखाते हैं, इट रिक्वायर्स गट्स, इट रिक्वायर्स करेज, जो आपकी आपको अंदर से अंदर से मजबूत करता है और आपको आत्मविश्वास बढ़ाता है. निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही बात है. क्या प्लानिंग है आने वाले समय के लिए 2025 तक, आप 2025 तक अगर आप कुछ शॉर्ट प्लान की अगर मैं बात करूं, प्लानिंग क्या है आने वाले समय के लिए? तो मैं अगर कहूं, मैंने जो भी सोचा है मैंने वो आज तक बखूबी किया है. और मैं आगे भी ये कोशिश जारी रखूंगी. 2021 के प्लान्स अगर मैं कहूं तो मैं तो यही चाहूंगी कि इफेक्टिव वैक्सीन आ जाए, ये महामारी से हम सब दूर हो जाए, ये हम सिचुएशन बैक टू नॉर्मल आ जाए. आई फील मैं और ब्यूटी पेजेंट्स करूं, चाहे मुझे और एक्सपीरियंस मिले, मैं अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करूं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं. कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यंग जो पार्टिसिपेंट हैं, वो चाहते हैं कि एक मुकाम हासिल करें, एक जीत हासिल करें. चूंकि आपको अभी एक एक्सपीरियंस हो गया है जो कि किस तरह से जीतने की कोशिश होनी चाहिए, आप ऐसे लोगों को किस तरह का संदेश देंगी जो ऑलरेडी ग्लैमर और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? न्यू कमर्स के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप डेडिकेशन है आप में, तो बिल्कुल झिझकिए मत. कीप योर फुट फॉरवर्ड, आप कोशिश करते रहिए, एंड दिस फील्ड हैज अ लॉट ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आई फील, एंड कोशिश करते रहिए, आई थिंक वही आपको आगे लेके जाएगा. अभी आपकी बारी है रैपिड फायर क्वेश्चन की. कुछ निजी सवाल हैं जो आपको इंस्टेंट उसका जवाब देना है. ये टोटली आपसे जुड़े हुए सवाल हैं. सबसे पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का है कि आपको गुस्सा कब आता है? जब मन मुताबिक काम ना होता. आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब अच्छा खाना हो सामने. यस. आपका फेवरेट फूड? छोले भटूरे. आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? पेरिस. यस. आपके लिए जो पेरेंट्स और आपकी फैमिली है वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए? मेरा फैमिली ही, मैं अगर कहूँ तो, मेरा बैकबोन है. माय डैड इज माय रोल मॉडल, ही इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई लॉस्ट माय मॉम अ फ्यू इयर्स अगो. दैट वाज अ बिग ट्रॉमा फॉर माय लाइफ, बट उससे बाहर निकलना,
अपने आप को प्रूव करना कि आप सब कुछ कर सकते हैं बहुत ज़रूरी है. एंड माई फैमिली हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव इन मॉडलिंग, इन अकेडमिक्स, इन एवरीथिंग दैट इज. एंड माई लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई, ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम रियली लकी टू हैव अ फैमिली लाइक माइन. अगर आपके सामने अचानक भगवान आ जाए और वो आपसे पूछें कि निमिषा जी आपको एक चीज क्या मांगना है, तो आप वो एक चीज क्या मांगेंगी? अगर मेरे सामने भगवान आ जाए तो मैं अपनी मामा मांगूंगी हेल्दी एंड हैप्पी, दैट्स इट. अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, ओके, तो आप एक काम क्या करना चाहेंगे? अगर मुझे सीएम बना दिया जाए तो ग्रास रूट लेवल पे हमारे जो अन्नदाता है फार्मर्स, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए मैं डेफिनेटली काम करना चाहूंगी. रैपिड फायर राउंड जो है मेरा खत्म हो चुका है. अब मैं जनरल सवाल दो और आखिरी सवाल आपसे हैं जो मुझे पूछना है. पहला सवाल तो ये कि जितने भी अगर ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया के जितने भी लोग हैं जो जो मैं इसमें काम करते हैं, अगर उनको आप देखें, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या दिया मिर्जा हो या आपका सुष्मिता सेन हो या और जितने भी लोग आए हैं, उनके करियर का जो जो अगर कहें आप चरम पे अगर गया है अगर ग्लैमर और मॉडलिंग में, उसके बाद उन्हें अच्छी फिल्मों का ऑफर आने लगा है और वो उन्होंने फिल्मों को बतौर करियर चुन लिया है, निमिषा पर असर किस तरह की प्लानिंग में है कि अब मॉडलिंग के बाद क्या फिल्मों की ओर जाना है, या कुछ ऐसे ऑफर आपको इस टाइम पे कभी आए हैं क्या कि जिसमें आपको काम करने का मौका मिले? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि फॉर मी, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझते हुए आई फील मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाऊं. जिसमें मेरा एकेडमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज़ रिसर्च. मैं ऐसा कुछ रिसर्च में इनोवेशन या कुछ भी जिससे लाइफ इम्प्रूव हो, मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने अपने पेरेंट्स लव्ड वंस को खोया है, उन्हें एक आशा मिले इस रिसर्च से, विच इज हेल्पफुल टू द मैनकाइंड बाय इम्प्रोवाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज ग्लोबली. दैट्स बीन वन ऑफ माय प्लान्स ऑफ फ्यूचर. देखिए फ्यूचर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, किसी ने ये नहीं सोचा था कोविड आ जाएगा और हमारा 2020 ऐसा रूइन हो जाएगा. अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है मॉडलिंग के बाद भी. आई थिंक आई एम गोना कंटिन्यू मॉडलिंग ब्यूटी पेजेंट्स, मिस इंडिया में आई डेफिनेटली गोना टेक पार्ट, एंड बॉलीवुड जब आएगा तब बिल्कुल देखेंगे. क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो न्यू कमर्स हैं, जो यंग हैं और जो मॉडलिंग, फैशन और उसके बाद फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के लिए चाहत रखते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में आने की? न्यू कमर्स के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पैशनेट हैं तो प्लीज़ इसमें आगे बढ़िए. आई थिंक इट्स एन एडवेंचर, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा. फैशन सेंस, फैशन एथिक्स, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आप सीखेंगे, आप इवॉल्व होंगे, एंड आपको डेफिनेटली पार्ट लेना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड. आखिरी सवाल, जीतने के लिए कितना स्ट्रगल जरूरी है? स्ट्रगल के बिना लाइफ अधूरी है. अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको जिस मुकाम पर पहुंचना है वो आप नहीं पहुंचेंगे. ये बात क्लियर है. मेरे पापा ने हमेशा ये बात कही है कि लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते. कभी भी शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, वो पार्ट ढूंढिए जहां पर आपको एक्चुअली हार्ड वर्क करना है और आगे बढ़ना है. स्ट्रगल्स में मैं अगर कहूँ तो मिस नफी मुंबई में ब्यूटी पेजेंट्स में कम नहीं होते. 5 inches के हील्स पहनकर कैटवॉक करना, कोरियोग्राफी समझना, रैंप वॉक पर स्टेज परफॉर्मेंसेस करना, नथिंग ऑफ दैट इज इजी. ऐसे देखे तो लाइफ में कोई फील्ड में कुछ इजी नहीं है. यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स, एंड देन मूव अहेड. यही जिंदगी है. निमिषा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद. आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, कुछ उसमें अटपटे भी सवाल थे जिसका आपने बहुत ही बखूबी जवाब दिया. किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है. निमिषा पराशर का जो जो सोच है, उनकी जो उनका विजन है, जो उनका संघर्ष है, जो उनकी प्लानिंग है, निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेस की बुलंदियों पर, सक्सेस के बुलंदियों के आसमान पर अपना मुकाम बनाएंगी. हम आपको शुभकामना भी देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो आपका मिशन है वहाँ तक आप निश्चित तौर पर पहुँचेंगी और दूसरे लोगों के लिए भी जो यंग हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए भी आप प्रेरणा बनेंगी. आज की बातचीत में बस इतना ही. अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे.
तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।